नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। सोनभद्र क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमिया टोला छितिकपुरवा में अवैध खनन माफिया द्वारा सोन नदी से धड़ल्ले से अवैध बालू लोडिंग किया जा रहा है। बेखौफ होकर धड़ल्ले से खनन माफिया द्वारा खनन को अंजाम दिया जा रहा है। बालू घाटों पर रात दिन बालू का अवैध खनन व परिवहन हो रहा है, जिसे रोकने में खनन विभाग के साथ साथ प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। इस कारण बालू माफिया के हौसले बुलंद हैं। अब स्थिति है कि बालू माफिया गांव के ग्रामीणों को भी कहने लगे हैं, अब कहीं भी कह लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सबको मैनेज करके चला रहे हैं। बालू माफिया बालू के अवैध कारोबार के लिए असामाजिक तत्वों की भी मदद ले रहा है, ताकि कोई शिकायत भी ना कर सके। खुलेआम हो रही माफिया गिरी से अब लोगों का भी सरकार व प्रशासन से भरोसा टूट रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए लाखों दावों के बाद भी बालू घाट से रात दिन ट्रैक्टर्स के जरिए बालू की चोरी हो रही है। सोनभद्र अजित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुरैना नगर निगम क्षेत्र के 47 वार्डों में से अधिकांश वार्डों में गंदे जलभराव, दूषित पेयजल, सफाई व्यवस्था को लेकर शहर में निरंतर चल रही प्रक्रिया को देखते हुए आज मुरैना विधायक ने नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास भी उपस्थित थी। शहर में जलभराव का निराकरण करने के लिए 10 दिन का समय देते हुए वार्ड प्रभारियों से लेकर उपयंत्री व स्वास्थ्य अधिकारी तक के दायित्व निर्धारित कर दिए हैं। इनमें लापरवाही करने पर 15 दिवस के बाद होने वाली समीक्षा बैठक में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अधिकांश अधिकारी कर्मचारी के अवकाश पर जाने का कारण हुई अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आयुक्त को निर्देशित किया गया है। कर्मचारी का वेतन समय से मिले, इस पर भी चर्चा की गई। नगर निगम की विधायक द्वारा 3 महीने में समीक्षा बैठक होती है। कलेक्टर मैडम और मैंने संबंध में समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात आने से पहले शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू करें। नाला नंबर 1, नाला नंबर 2 और जहाँ जहाँ पानी के भराव है, हम लोग उन जगह को चिन्हित करें और 10 दिन में शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाएं। 10 दिन बाद फिर मीटिंग होगी, इसमें क्या सार्थक परिणाम आती है देखेंगे। कर्मचारियों दिए हैं वेतन के संबंध में मैंने निर्देश दिए हैं, पिछले महीने का उनका वेतन रुका हुआ है। केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ योग दिवस मनाया गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जनपद स्तरीय आयोजन सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ। लोगों को योग के बारे में जागरूक किया गया। योग के समय पर लोगों को बताया गया कि मन स्वस्थ नहीं है तो जीवन भार बन जाता है। जिसके शरीर व मन स्वस्थ नहीं होते, उनके मानसिक में चेतना व ध्येय में स्फूर्ति नहीं होती। योग करने से शरीर और मन अच्छे होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस एक अद्भुत तरीके से साथ मनाया गया, जो भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कामा पहाड़ी मार्ग पर गांव अरावली में एक सड़क किनारे खड़ी बुलेरो गाड़ी को पीछे से एक अनियंत्रित डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में बुलेरो सवार एक नवविवाहिता सहित 4 घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने कामा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। अरावली निवासी मुंशी खान ने बताया कि शनिवार देर शाम नजराना का पति साहिल मेव अपने अन्य परिजनों के साथ हीरा डालने के लिए अपने ससुराल गाँव अंगरावली आ रहा था। जैसे उन्होंने गांव के बाहर से आकर अपनी बुलेरो गाड़ी खड़ी की, तो उसी दौरान पीछे से एक तेज गति अनियंत्रित डंपर ने बुलेरो को टक्कर मार दी। वहीं घटना के बाद डंपर चालक डंपर को छोड़कर फरार हो गया। कामा से आमिर खान की रिपोर्ट। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।